दोस्तों 66वीं बीपीएससी 2020 से संबंधित बहुत ही अर्जेंट नोटिस आई हुई है, कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिस है। तो दोस्तों अगर आपने 66वीं बीपीएससी 2020 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और तीनों नोटिस को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और फ्रेंड्स आज दिनांक है 9/12/2020 और आज के डेट में 66वीं बीपीएससी के लिए तीन नोटिस जारी किया गया है। पहला जो सबसे अच्छा नोटिस है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि 9/12/2020 के डेट में लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ 127 मोर वैकेंसीज अंडर 66 कम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि 127 जो है और पोस्ट ऐड कर दिए गए हैं, तो वैकेंसी हो गई इंक्रीज आपकी। उसके बाद दूसरा जो नोटिस दिया हुआ है वो आपकी एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित दिया हुआ है। और उसी में एक जो है और नोटिस जारी किया गया है, लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि जो अंडर एज हैं और जो ओवर एज हैं उन कैंडिडेट का पूरा लिस्ट जारी किया गया है। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं एक एक करके सब कुछ आपको समझा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जो अच्छी खबर है उससे हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पे आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं। देखिए 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक सूचना, देखिए सूचना जो है क्या है मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ और आप लोग स्वयं भी पढ़ लीजिए। 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 16/9/2020 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन प्रकाशन के बाद 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु ग्रामीण विकास विभाग, ध्यान दीजिएगा ग्रामीण विकास विभाग, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बिहार के अंतर्गत ग्रामीण विकास पदाधिकारी के कुल 127 रिक्तियों के अधियाचना प्राप्त हुई हैं जिन्हें उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के रिक्तियों में जोड़ दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, टोटल 127 पोस्ट जो हैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी के और ऐड कर दिए गए हैं जो टोटल वैकेंसी थी, अब वैकेंसी इंक्रीज हो गई हैं। देखिए उक्त कुल 127 पदों की विवरणी निम्न प्रकार हैं, आप लोग स्वयं यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए क्रम संख्या लिखा हुआ है, विभाग पद का नाम है ग्रामीण विकास पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग बिहार। उसके बाद वेतनमान लेवल 7 है, यहाँ देखिएगा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती, नाती नतनी, दिव्यांग और टोटल पोस्ट है। ठीक है, तो देखिए अगर अनारक्षित की बात करें तो पुरुष में कितना है, 48 है और महिला में 17। उसी प्रकार ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं अपना कैटेगरी, नीचे महिलाओं का है और ऊपर पुरुषों का जो वैकेंसी है वो लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल देखिए 127 पोस्ट और ऐड कर दिए गए। यहाँ पढ़िए कि अब 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 691 हो गई है। अब टोटल पोस्ट कितने हो गए हैं 66वीं बीपीएससी में, 691 हो गए हैं। पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में अंकित रिक्तियों को इस हद तक संशोधित समझा जाए, क्लियर है। और आज के डेट लिखा हुआ है, देखिए संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना 9/12/2020, क्लियर है। अब हम दूसरा नोटिस जो है आपके एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड, और तीसरा जो है जो अंडर एज और ओवर एज कैंडिडेट का जो लिस्ट है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स हमारे चैनल के माध्यम से 66वीं बीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे जो और नोटिस आया है उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा नोटिस है आवश्यक सूचना, और मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ और आप लोग स्वयं पढ़ भी लीजिए। देखिए 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा रविवार दिनांक 27/12/2020, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ 27/12/2020 को एकल बैठक यानी कि सिंगल सीटिंग में 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे तक अपराह्न तक होगा। ठीक है, यानी कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा 27/12/2020 को सिंगल सीटिंग में। बिहार राज्य के 35 जिलों में अवस्थित 888 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। टोटल परीक्षा केंद्र कितने बनाए गए हैं, 888 35 जिलों में। उसके बाद देखिए उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी सूचना समाचार पत्रों आयोग के वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र दे दी जाएगी।
शीघ्र ही इसका नोटिस दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर और कब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आपका कोई एडमिट कार्ड घर तक नहीं आएगा, आपको स्वयं इंटरनेट के माध्यम से ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आगे देखिएगा, इम्पोर्टेंट नोटिस है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि उक्त परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित कट ऑफ डेट दिनांक 1/8/2020 के अनुसार कम उम्र एवं अधिक उम्र के होने वाले कुल 782 अभ्यर्थियों को अनहरित किया गया है, ठीक है। और इनका लिस्ट दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। अनहरित अभ्यर्थी दिनांक 16/12 के संध्या 5 बजे तक साक्ष्य के साथ आपत्ति आवेदन आयोग के यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है पर भेज सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप लोग आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं दिनांक 16/12/2020 के संध्या 5 बजे तक, क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे आज का डेट भी लिखा हुआ है 9/12/2020 का यह नोटिस है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए जो कैंडिडेट्स हैं अंडर एज और ओवर एज उनका पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा वो लिस्ट अंडर एज और ओवर एज कैंडिडेट का, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अंडर एज कैंडिडेट्स लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/8/2020। यहाँ पे टोटल 6 कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए कि लिस्ट ऑफ ओवर एज कैंडिडेट जनरल एंड ईडब्ल्यूएस मेल का ये लिस्ट है, ठीक है। मोर देन 37 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/8/2020। उसके बाद यहाँ कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद आपको नया जो है वो कैटेगरी का लिस्ट दिखाई देगा। हाँ यहाँ पे देखिए अब आया है कि लिस्ट ऑफ ओवर एज कैंडिडेट्स जनरल एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल, ठीक है, जिनका कि 40 इयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/8/2020। उसके बाद नीचे आने पर आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ ओवर एज कैंडिडेट्स एससी एसटी मोर देन 42 इयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/8/2020। आप लोग भी इसको डाउनलोड कर दीजिए और अपना अपना नाम जो है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑलरेडी प्रिपरेशन कराया जा रहा है। यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ ओवर एज कैंडिडेट्स EBC और BC मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/8/2020, क्लियर है। तो सब लोग अपना अपना जरूर यहाँ पे नाम चेक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था बट इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने समझा कि आपको बताना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे वीडियोज हम लोगों ने 66वीं BPSC से संबंधित कवर किया है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।